अधिकारी मैंने एक दिन कहा इतनी सिफारिश आती है डॉक्टरों के लिए हमारे पास में सब ऐसे में लड़ना चाहते हैं। आज ने सालों से मैं देखा हूँ 30-40 साल से किसी डॉक्टर के पास में लड़ दो तो हाईकोर्ट जेल का फोन आ जाएगा, पूर्व मुख्यमंत्री का, मंत्री का या और किसी नेता का फोन आ जाएगा, फिर साहब इसको तो रखना ही पड़ेगा हमारे। और मजबूरी में क्या होता है कई बार डॉक्टर अधिकार लग जाते हैं एक जगह, पीएचसी खाली पड़ जाती है। प्रथम दिन मेयर को मैं भले जाना चाहूंगा, इतना उसने कहा क्या मैं मंत्री नहीं हूं परवानी पर मैं एक्स्ट्रा डॉक्टर का भी नहीं रखूंगा। इतना कहने के साथ समझ लिया आदमी को और रिकॉर्ड दिखाया। आज आत्मा भर में पीएचसी में डॉक्टर सब पहुंच गए, अधिकार में पीएचसी खाली पड़ जाती थी, शहरों में लोग आके बैठ जाते हैं, इतनी अच्छी तनखा मिलती है। और तो और आपके तो मालूम ही है, आप भी तो शामिल पूरा परिवार में ही ओपी परिवार में आप भी शामिल हो जा रहे हो। और मैं ओपी आरटीएच दोनों स्कीमों को मैं कामयाब करके रहूंगा तो रोक नहीं सकता, हमारी बहुत आलोचना हो रही है। आप लोग नहीं पढ़ पाते होंगे जिनके आगे आए हैं ओपीए के खिलाफ आए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के और आरटीए के खिलाफ आया भी डॉक्टर पंगड़िया अमेरिका में है नीति आयोग उपाध्यक्ष थे, ओपीए के खिलाफ आरटीए के खिलाफ। मैंने कहा अमेरिका ओबामा केयर शुरू हुआ था अमेरिका में, जब प्रेसिडेंट ओबामा केयर थे तो उनके कामयाब नहीं पाए, मैं कहूँ उनके पंगड़ेरी का अनुभव होगा, हम कामयाब करके दिखाएंगे, हमें आप सब पे विश्वास है। ओपीएस मान्य दृष्टिकोण हमने किया है, ई मार्केट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। ओपीएस जो है अगर 65 साल से चला ओपीएस, उसके बाद में जहाँ सुनी बनती थी, हम आज हिंदुस्तान दुनिया की ताकत में शामिल हो गया है, सुपर पावर के रूप में आ रहा है, तो भी ओपीए भी मिला है कर्मचारियों को सिक्योरिटी एजेंट के अंदर 35-40 जिनके काम करता है, मैं बुढ़ापे के अंदर तकलीफ नहीं आएगी। और एनपीएस शेयर मार्केट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यूचुअल फंड डिपेंड कर रहा है, पता नहीं 35 साल के बाद में वो शेयर मार्केट धराम होगा या क्या होगा, अडानी साहब का भी हो गया धराम। तो उसके ऊपर डिपेंड करें आपकी पेंशन, बुढ़ापा बहुत खतरनाक होता है आदमी का, बेटे पोते साथ छोड़ने में कई बार और कई बार पैसी नहीं होती छोड़ना पड़ता है या मदद नहीं कर पाते बेटे पोते। मैंने पेंशन 1 करोड़ लोगों में पेंशन दे रहा हूं अभी, पेंशन देना मैंने भी प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट किया आप पूरे देश के अंदर लाइफ टू सोशल सिक्योरिटी लाओ, हिंदुस्तान में दुनिया के मुल्कों की तरह हर परिवार को निजी परिवार को कुछ मिलना चाहिए वीकली या फोर्टनाइटली, कई मुल्कों में मिलता देश दुनिया के अंदर। हमारे यहाँ भी टाइम आ गया, मजदूर भी जब बुरा होता भी बिल्डिंग बनी है, खाली मशीन थोड़ी बनी है, मजदूर ने काम किया, मजदूर 55 साल के बाद में 60 साल के बाद में काम नहीं कर सकता, घर की स्थिति क्या है उसको सरकार को ध्यान रखे उसको। अरे मैं 1 करोड़ लोगों दे रहा हूँ पेंशन का काम बात में क्यों कह रहा हूं कि जब पेंशन मिलती है तो बुढ़ा आदमी है बुढ़ी औरत जो होती ना उसकी सास उसकी बहुएं भी उनका सम्मान करती है। क्या है अगर कोई बुढ़ी औरत है उनकी बेटी 40,000 से और अगर देखिए मैं 100 रुपये दे दूंगी इसको बहु से मांग लेती है और बहु अगर मुंह चढ़ा लेती है उनका खाना ही खराब रहता दिन भर खाना खराब होता, बहु ने मुझे मना कैसे कर दिया। और बेटी आई तो मेरी मेरी बाजू बेटी है 5-10 मेरी बाकी है, कुछ मेरे बेटे पोते होते हैं वो भी क्या करते हैं, अगर दादा दादी की पेंशन मिली 1500 रुपये आगे भी नहीं फेंकते हैं दादा पानी
50 रुपए 100 रुपए इनाम देंगे, कुछ ना करते हैं जो सम्मान इन बना नहीं रहा हूँ। सके क्या थे इतना सम्मान होता बुरे लोगों का, कुछ सोच नहीं सकता। ठीक बोलो आप बताइए, हर चीज में सोच सोच के करता हूँ राजस्थान में, हर चीज सोच सोच के करता हूँ। और हम दबाव देंगे भारत सरकार पर, हमारी अधिकार निष्ठि में है। आज ये जो नरेंद्र मोदी को माननी पड़ेगी, मैं कह सकता हूँ में है, कोई इनकार कर नहीं सकता। मैं कभी उन विज्ञापन देता हूँ और इन्हें विज्ञापन देता हूँ बहुत कम, बाकी लोग बहुत ज्यादा देते हैं। मैं इसी देता हूँ जो काम का होता है, राइट टू हेल्थ वाला था या कोई ऐसा विज्ञापन है जिससे कि और राज्यों में वहां की पब्लिक वहां की सरकार को दबाव बनाए। ये डेमोक्रेसी देखिए, डेमोक्रेसी में अगर आपके लोगों को जागरूक करेंगे, वहां की सरकार दबाव बनाएगी तो काम आगे बढ़ता है। उनको सरगर्म करना पड़ता है, बना सबका होगा।